मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओके, तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली भ्रमण के लिए निकले थे, बट पॉसिबल हो नहीं पाया। हम लोग अंकल के वहाँ गए और पंजाबी खाना खा के लुढ़क गए, फिर घर पे आए और बस दिन निकल गया। तो आज हम वापस से निकले हैं दिल्ली घूमने, एंड आज हमारे पास कैंडिडेट अलग है। पिछले वाले व्लॉग में मामा थे, अब मामी को लेके आए हैं। तो हम लोग चार ही है, तब भी चार थे, अब भी चार हैं, बस थोड़ा मामा मामी में चेंज कर डाला है हमने। ओके गाइस, तो सेम मेट्रो सेम स्टेशंस एंड ऑल करते हुए हम आज वापस से यहाँ पहुँच गए हैं। एंड आगे क्या होने वाला है पता नहीं, बिकॉज जिन अंकल के यहाँ हम गए थे ना लंच पे एंड मिलने, उनका बेटा उनको आज दिल्ली के दर्शन कराने वाला है, बेसिकली दिल्ली घुमाने वाला है। तो वो हमें यहीं से पिक कर रहा है या फिर वापस आज अंकल के यहाँ जाना है ये पता नहीं है, तो एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं क्या सीन है। ओके, तो अब हम आए हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में। मेरे को बड़ा पसंद है गुरुद्वारा में जाना। हम शादी के बाद मैं और कार्तिक मुंबई में भी एक गुरुद्वारा है वहाँ पर भी गए थे। गुरुद्वारा वाला लुक, बहुत धूप है भैया, बहुत धूप है। अरे यहाँ चप्पल निकाले है तो मर ही जाना है, ये तो चप्पल तो कैसे हो जाएंगे गर्म। तो गुरुद्वारे से होने के बाद हम आए हैं लाल किला। मास्क पहनना पड़ेगा यार, और ये गर्मियों में घूमना गाइस बहुत ही डिफ़िकल्ट है भाई, और बहुत ही भीड़ मच रखी है यहाँ पे। भीड़ एक्चुअली हर जगह ही मच रखी है, पता नहीं क्यों ऐसे यहाँ से लाल की। ओके, तो अब हम आए हैं कुतुब मीनार। तो ये रहा कुतुब मीनार, यहीं से अच्छा फोटो आएगा मेरे हिसाब से, पूरा नहीं दिखेगा फिर वो।
बड़ा दूर है भाई, पर ये इसके साइड्स में बहुत ग्रीनरी है। आप हर जगह फोटोग्राफी कर सकते हो, बट हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम हर प्लेस पे ऐसे आधा आधा घंटा भी रुके। हम ऐसे फटक से आए, फटक से निकल लिए, ऐसे आए हैं। बड़ा ऊंचा है, आ भी नहीं रहा है इसमें। पास आते ही तो पता भी नहीं चलता ये कुतुब मीनार है, बहुत दूर से देखो तो ये दिखता है। फ्लाइट जा रही है ऊपर से। ये गया ऊपर से प्लेन। आई थिंक ये ना लैंड के लिए इतना पास आया है। ये दिल्ली में लैंड करेगा कि उड़ा है पता नहीं भैया। खैर छोड़ो, प्लेन का क्या लेना देना है। आप ना कुतुब मीनार देखो, बस ये बड़ा अच्छा है। हर जगह पत्थर की ये बने हुए हैं और कुछ टूटे फूटे भी है। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, मामा साथ में है नहीं इसकी हिस्ट्री बताने के लिए। भाई घुटड़ों जैसी हालत हो रखी है, बहुत ही घटिया हालत हो रखी है। ऊपर से ना मेरे चश्मे खो गए, मेरे गोगल्स एक जोड़ी मैंने खो लिए, फिर ये रास्ते में लिए। एक्चुअली मैं यहाँ बहुत अच्छा अच्छा है गाइस घूमने का। ये देखो बट हमारे पास टाइम की कमी है, हम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे देख रहे हैं सारी चीज़ें। ये भी कुछ है, ये फोटोग्राफी मम्मी की ख़त्म नहीं हो रही है, तब तक मैं मेरा काम निपटा डालती हूँ। ये फोटोग्राफर मम्मी का। बहुत सारी फोटोग्राफी करने के बाद कहाँ से निकलना है मम्मी? यहाँ से बाहर निकल लेते हैं फाइनली, क्योंकि बहुत सारी जगह जाना है और ऑलरेडी शाम हो गई है। लस्सी लस्सी